हेलो दोस्तों, हमारा आज वीडियो फ्लश वाल रिपेयरिंग के बारे में है। फ्लश वाल जहाँ से लीकेज कर जाता है, देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ की तरफ धार चल रही है। फ्लश वाल आप जैसे ही ऑन करते हो वैसे ही लीकेज कर जाता है, और बंद करते हो तब ये बंद हो जाता है। ये मिस्टेक, ये प्रॉब्लम कैसे होता है, चलिए दोस्तों इसको हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से इसका लीकेज हम बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, नॉब अगर सिंपली बदलना चाहे तो वो महंगा आता है, 500 550 रुपये तक ये नॉब मिलता है। इसलिए दोस्तों इसको दुरुस्त करेंगे हम, सिर्फ 20-30 रुपए के अंदर ही ये दुरुस्त हो जाएगा। तो पहले हम इसका सीमेंट वगैरह निकाल देते हैं, इसका सीमेंट वगैरह निकाल देंगे, और फिर इसको नॉब खोलने के बाद हम आसानी से खोल लेंगे दोस्तों। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल प्लम्बिंग आइडियाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आजकल सब्सक्राइबर बहुत कम है, और दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियोस डालते रहता हूँ रिपेयरिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मैंने नॉब पूरा सीमेंट इसका निकाल दिया है। अभी ये नॉब को हम ढीला करके निकाल लेंगे। ये नॉब पूरा बदल भी सकता है दोस्तों, लेकिन हमको इसको रिपेयरिंग करना है। तो चले पहले इसको हम खोल लेते हैं नॉब को। सिंपली स्क्रू ड्रॉवर की मदद से इसका लोगो सामने से निकाल दे पहले, बाद में इसके स्क्रू को खोल कर थोड़ा पाने की मदद से पीछे से ठोक ले ताकि नॉब आसानी से निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी ये निकल आएगा आसानी से। अभी ये निकल गया, देखिए। अभी हमको एक बॉक्स पाने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसको बॉक्स पाना लगाकर हम खोल लेंगे। ये स्क्रू जो है दोस्तों, इसमें वापस लगा दे ताकि ये गुम ना हो। अभी हम बॉक्स पाने की मदद से इसको खोल लेंगे दोस्तों। देखिए हमने बॉक्स पाना लगा दिया है, थोड़ा हल्का सा ठोक दे अंदर की तरफ। ये देखिए एकदम आसानी से दोस्तों ये खुल जाता है। अभी ये हम बॉक्स पाने की मदद से हमने इसको खोल लिया फ्लश वाल्व को। दोस्तों इसका वाइशर भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, वाइशर भी बदल देंगे। लेकिन मेन लीकेज जो रॉड की तरफ से आता है दोस्तों खोलने के बाद, वो असल चीज़ है, वो हमको रिपेयर करना है। ये जो नट देख रहे हो दोस्तों आप सामने की तरफ, इसको हमको खोलना है। तो हम इसको खोल लेते हैं पानी की मदद से, पाइप पाने में और एडजस्टेबल की मदद से भी हम इसको खोल लेंगे। यहीं से दोस्तों मेन लीकेज बंद होगा, जो खोलने के आपने जैसा वीडियो में पहले देखा कि लीकेज कैसे करता है, ये रॉड के पास से लीकेज करता है दोस्तों। देखिए ये थोड़ा जाम है, हम उसको निकाल देते हैं। और दोस्तों देखिए, ये जो पुरानी इसकी पैकिंग रस्सी आती है दोस्तों, वो ख़राब हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लीकेज कर रहा है बार बार। तो चलिए दोस्तों इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले से। पूरी इसकी पुरानी वाली जो रस्सी है पैकिंग की, वो हम इसको निकाल देते हैं स्क्रू ड्रावर की मदद से। कुरेद कुरेद कर दोस्तों पूरी निकाल लेना है, पूरी उसकी पुरानी वाली रस्सी निकाल लेना है। और दोस्तों ये मोटर वाइंडिंग की दुकान पे आपको ये रस्सी मिल जाएगी पैकिंग रस्सी के नाम से। तो दोस्तों ये पैकिंग रस्सी हमको इतनी जाड़ी नहीं लगाना है, इसमें धागे होते हैं दोस्तों रेशे, उसके हमको धागे ढीले कर लेना है। और हमको एक ही धागा लगेगा दोस्तों इसमें से, सिंगल वाला। ये देखिए इस तरह से ये खुल जाती है। अभी हम इसमें से थोड़ा, मैंने ज़्यादा नहीं खोला है इसको, तो हम दो धागे ले लेंगे दोस्तों इसमें से। ये देखिए इस तरह से इसके धागे होते हैं। आप इसको, ये पैकिंग रस्सी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये मोटर के मोनोब्लॉक जो मोटर होती है दोस्तों, उसका आयल सेल के पास ये लगता है धागा। ये देखिए ये लीकेज बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, मोटर में भी, पानी की जो मोटर होती है उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो इसका हम ये कट करके निकाल लेते हैं। सिंपली हमने दो धागे ले लिए हैं, मैं पूरा रस्सी नहीं खोला इसलिए दो धागे लेंगे छोटे छोटे, और इसको ग्रीस लगा देंगे दोस्तों ताकि ये अच्छे से फिटिंग हो जाए और स्लिप होकर अच्छे से बैठ जाए अंदर की तरफ। ये देखिए ये हमने ग्रीस लगा लिया एक धागे को, दूसरे को भी इस तरह से ग्रीस लगा लेना है। ये ग्रीस की पुड़िया है दोस्तों। ये देखिए दूसरा भी हम ग्रीस लगा ले दोस्तों, इसी वजह से आपको
बहुत आसानी होगी, और नट जब आप लगाओगे ऊपर का तो ये धागा एकदम मस्त फ्रेश अच्छे से लग जाएगा, प्रेस हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हम इसमें अब लपेट देंगे इसको इस तरह से, और दोस्तों एकदम चिपक कर लगेगा ग्रीस होने की वजह से। इसको अंदर दबा दबा के वापस से भर देना है, वापस से हम दूसरा धागा भी इस पे लगा देते हैं। धागा इतना मारना है दोस्तों कि आपके नट थ्रेड पकड़ ले, ज्यादा भी नहीं मारना है और एकदम कम भी नहीं मारना है। ये देखिए हमने अभी ये धागा लपेट दिया है रॉड के बिल्कुल बाजू में। अभी हम वापस नट लगा देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से लीकेज बंद होता है ये दोस्तों। 20-30 रुपए की रस्सी के अंदर आपका काम हो जाता है, और 550 रुपए का नाप लगाना आपका बच जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने मिट्टू पानी की मदद से इसको पकड़ा है, और अभी हम एडजस्टेबल की मदद से इसको फिट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको प्रेस करते जाना है, प्रेस करते हुए इसको टाइट करना है, अच्छे से टाइट कर ले। जब ये टाइट हो जाए दोस्तों तो हमको इसको घुमा के देखना है कि ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पानी की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे कि ज्यादा टाइट तो नहीं है, ताकि नॉप लगने के बाद आसानी से घूम सके। ये देखिए दोस्तों, ये पानी की मदद से मैंने घुमा के देख लिया हूँ इसको, ये टाइट नहीं है, हल्का सा घूम रहा है आसानी से। तो हम इसको एक एक बार थोड़ा सा सिंगल आटा चढ़ा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने सिंगल थोड़ा चढ़ा लिया, अभी वापस से चेक कर लूंगा, और ये आसानी से घूम रहा है दोस्तों। नॉब यहाँ पर नॉब लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको लगा लेते हैं फिटिंग में। ये दोस्तों मैंने इसका वाशर भी चेंज कर दिया है, ब्लैक वाला, पहले इसमें व्हाइट वाशर लगा हुआ था, अभी हम इसको फिट कर रहे हैं दोस्तों। वही बॉक्स पानी की मदद से हम उसको टाइट कर देंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से टाइट हो जाएगा तो हम इसको पानी शुरू करके, अभी टंकी का पानी बंद है, जब ये अच्छे से टाइट हो जाएगा तो हम इसको नॉप लगा के टंकी का पानी शुरू करके चेक करेंगे दोस्तों कि लीकेज बंद हुआ है या नहीं। अच्छे से टाइट कर ले दोस्तों, उसमें भी थ्रेड में भी हमने थोड़ा एक धागा लपेट दिया था पीछे वाले थ्रेड में, जिधर हम टाइट कर रहे हैं उधर, ताकि इसका लीकेज वहां से भी ना हो। देखिए दोस्तों, ये फ्लश का पाइप है, अभी ये शुरू कर दिया हमने उधर से कॉक नॉप लगा के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने पहले स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो में कि यहाँ से लीकेज कर रहा था, और मेरे हाथ से पानी बहता हुआ आपने साफ साफ देखा है। ये देखिए दोस्तों, फुल फुल शुरू कर दिया है हमने भी, और फ्लश में से पानी नहीं निकल रहा है, और आप लाइव देख सकते हो कि ये फ्लश कॉक का पानी निकलना बंद हो गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल प्लम्बिंग आइडियाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन जरूर दबाए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये एकदम सक्सेसफुली लीकेज बंद हो चुका है, और कोई पानी वगैरह इससे अब नहीं निकलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लम्बिंग आइडियाज़।